हेलो बच्चों, क्लास 8 में सामान्य ज्ञान में हिंदी मीडियम में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है, स्वादिष्ट व्यंजन। इसमें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन दिखाए गए हैं बच्चों, चित्र में भी हैं, और जो आपको पहचान के लिखने हैं बच्चों, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से किस किस प्रदेश में कौन कौन सा खाना प्रसिद्ध है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला है बच्चों, सरसों का साग मक्का की रोटी, ये किस प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये है बच्चों पंजाब में, पंजाब का प्रिय भोजन है ये। उसके बाद है नंबर सेकंड है ढोकला, नंबर सेकंड है ढोकला। ढोकला कहाँ का है बच्चों, तो ढोकला है गुजरात का। उसके बाद है नेक्स्ट थिंग है बच्चों श्रीखंड, श्रीखंड कहाँ खाया जाता है, श्रीखंड भी गुजरात में खाया जाता है, श्रीखंड भी गुजरात में खाया जाता है। और उसके बाद है बच्चों दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रिय भोजन है, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रिय भोजन है। डोसा नंबर 5 है, डोसा, डोसा कहाँ पर खाए जाने वाला भोज्य पदार्थ है, तो डोसा है बच्चों, डोसा केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं उन सब में डोसा खाया जाता है, और वैसे तो ये पूरे भारत में भी बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। रसम, रसम कहाँ खाई जाती है बच्चों, रसम कहाँ खाई जाती है, रसम दक्षिण भारतीय व्यंजन है रसम। उसके बाद है नंबर 7 है मिष्टी दोई, मिष्टी दोई का मतलब है मिष्टी दही से मतलब है, मिष्टी दही पश्चिम बंगाल या कोलकाता की तरफ खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। इसमें दूध को फाड़ते हैं तो उससे पहले दही बनाने के लिए उसे पहले मीठा कर दिया जाता है, जिससे बाद में उसमें चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से मिष्टी दोई बनाई जा सकती है, उसमें और ड्राई फ्रूट वगैरह या और कुछ चीज़ें डाल दी जाएंगी तो वो जमकर दही के साथ जम जाती है, बहुत अच्छी मिठाई बनाई जाती है, समझी जाती है और यूज़ की जाती है। नंबर 8 है बेटा बटर टी, बटर टी का इस्तेमाल लेह में होता है, जम्मू कश्मीर लेह और लद्दाख में बटर टी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 9 है भेलपूरी, भेलपूरी बहुत फेमस है, कहाँ की, महाराष्ट्र की, मुंबई की है, जो उसके तटीय इलाकों या समुद्र के तटों पर मिलती है भेलपूरी। नंबर 10 कहवा, कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ पी जाती है, तो ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर कॉफ़ी पी जाती है बच्चों। अब उसके बाद इसका बी सेक्शन आ जाता है बच्चों, वो देखते हैं। बी सेक्शन, बी सेक्शन है चिली, बी सेक्शन है चिली चिकन, चिली चिकन कहाँ पाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, चिली चिकन भारत में खाया जाता है। पास्ता रिवियोली पिज्ज़ा ये इटालियन फूड है, और बेदोन, बेदोन जो है वो चाइनीज़ फूड है, बेदोन। उसके बाद पोटैटो, पोटैटो ब्रेड ये आयरिश फूड है, पोटैटो ब्रेड। उसके बाद है शामी कबाब, चिकन, चिकन कोरमा, ये सब मुगलाई भोजन कहलाते हैं। तो ओके बच्चों, आपके 8 चैप्टर हो गए 7th क्लास में, और शायद ये लास्ट वीडियो हो आपकी इस सेशन की। इसके बाद आपकी गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन पड़ जाएंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई करना, आनंद भी लेना, खेलना भी और पढ़ाई भी अच्छे से करना। सारे के सारे जो वर्क दिया बच्चों वो होमवर्क आप कॉपी में कर दीजिएगा, और साथ ही जो हॉलिडे होमवर्क मिलेगा वो भी आपको कॉपी में करना है। स्कूल खुलेगा तो चेक कराना पड़ेगा आपको, ये जैसा स्कूल कहेगा वैसा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।